Hey, what's up guys, this is your boy Arish and you are watching my channel Arish Star. So guys, आज मैं आपके लिए finally लेकर आ चुका हूँ अपने कल वाले concept art का tutorial. So guys, अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो please subscribe now and press the bell icon and bell icon press करने के बाद notification on जब करें तो आप notification all on कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली latest update आपको मिलती रहे and कोई भी update आपसे miss ना हो. तो चलिए ज़्यादा time waste ना करते हुए video को start करते हैं. Let's do it. सो गाइज, आपको कुछ इस तरह से पोज करना है एंड पोज करने के बाद मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया है अपने पिक्सआर्ट ऐप में. एंड इसके अंदर आने के बाद हमको डायरेक्ट चलना है ब्यूटी ऑप्शन में. एंड इसके अंदर जाने के बाद आपको चलना है आई कलर ऑप्शन के अंदर. एंड इसके अंदर जाने के बाद ये लोडिंग होगी एंड लोडिंग होने के बाद ये लेंसेज आपके आई पर सेट हो जाएंगे, लेकिन ये परफेक्टली सेट नहीं होते इसलिए आपको मैनुअली इसको सेट करना होगा अपने आई के लेंस के हिसाब से. एंड गाइज, दोनों लेंस आप अच्छी तरह से सेट कर दीजिए. एंड एडजस्ट करने के बाद आपको कलर जो चूज़ करना है वो करना है आपको स्काई ब्लू, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर वाले लेंस से सेकंड नंबर है, तो उसको सबसे पहले चूज़ कर लीजिए सेट करने के बाद. एंड गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने चूज़ कर लिया. एंड उसके बाद आप ऊपर इरेजर के ऑप्शन पर जाने के बाद इसको इरेज कर दीजिए. एंड आप दोनों को इरेज कर दीजिए. एंड इरेज करने के बाद आपको ऊपर राइट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कीजिए. एंड क्लिक करने के बाद ये परफेक्टली हो चुका है. एंड इसके बाद आपको अपनी स्किन स्मूथ करना हो तो आप फेस फिक्स ऑप्शन पर जाइए एंड इसकी क्वांटिटी को 15% रखिए एंड अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए. अप्लाई करने के बाद आपको फ़ोटोशॉप में जो स्मूथनेस मिलती है वैसी ही स्मूथनेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी. एंड गाइस, आपको इसको फुल फेस पर चला लेना है. एंड गाइस, कोई सी भी आपको जगह नहीं छोड़ना है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको फ़ोटोशॉप वाली परफेक्टली स्मूथनेस मिल जाएगी. एंड गाइस, आपको फुल फेस पर इसको अप्लाई कर देना है. एंड करने के बाद आपको ऊपर राइट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप सिंपली इसे क्लिक कर दीजिए. एंड करने के बाद ये डन हो जाएगा आपका. एंड इसके बाद एक बार और राइट पर आपको क्लिक करना है. एंड क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन पर. एंड इसके बाद अब हमको जाना है अपने ऐड फोटो इमेज के अंदर. एंड उसके बाद अब हमको जाना है गैलरी में. एंड गैलरी में जाने के बाद अब हमको सिंपली से ले लेना है अपना बैकग्राउंड. एंड बैकग्राउंड को हम लगाने वाले हैं इस बार ऊपर से. एंड गाइस, इस बार हमने मॉडल की कटिंग नहीं की है, अब हम इस बार डायरेक्टली बैकग्राउंड को अप्लाई करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको इसको सेट कर देना है. सेट करने के बाद ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हैं कि आपका परफेक्टली बैठ रहा है वो या नहीं. एंड उसके बाद जैसे ही आपका एडजस्ट हो जाता है तो आपको इफेक्ट्स में चले जाना है. इफेक्ट्स वाला ऑप्शन जो होता है उसके अंदर जाने के बाद आपको चले जाना है ब्लर वाले ऑप्शन में. एंड लेंस ब्लर चूज़ करने के बाद लाइटनेस बिल्कुल ज़ीरो पर कर देनी है. एंड जितना ब्लर वहाँ से मिलता है उतना आपको रख देना है. एंड इसके बाद आपको जाना है इरेजर पर. इरेजर पर जाने के बाद आपको क्लियर ऑल कर देना है. क्लियर ऑल करने के बाद अब आपको इरेजर का साइज़ आपको रखना है 97% के आसपास. एंड उसके बाद आपको अपने साइज़ जो है ब्रश का वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं. अब आपको इसको अप्लाई कर देना है चारों तरफ बॉडी के. सो गाइज, हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली सेट हो चुका है. एंड इसके बाद अब हम जाएंगे राइट पर क्लिक करेंगे. एंड क्लिक करने के बाद अब हमको करना है अपने फेस पर फोकस. तो फेस पर फोकस करने के लिए हमको सिंपली से जाना है एफएक्स टूल के अंदर. सो गाइज, ये हमारा एफएक्स. एंड इसके अंदर जाने के बाद हमको ब्लर ऑप्शन के अंदर लेंस ब्लर में जाना है. एंड इसकी कर देना है लाइटनेस कम. एंड इसके बाद इरेजर टूल पर जाना है सबसे ऊपर. उस पर जाने के बाद आपको इरेजर सेलेक्ट रखनी है. एंड इसका साइज़ जो भी आप रख सकते हैं वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए. एंड इसके बाद आपको फेस पर से बस ब्लर को हटा देना है अच्छी तरह से. एंड गाइस, फेस पर से ब्लर हटाने के बाद आपको जो रेडियस मिलती है उसकी उसको लो कर देना है. एंड लो करने के बाद राइट पर क्लिक कर दीजिए. एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज में काफ़ी रियलिटी आ चुकी है. एंड गाइस, अब हमको चाहिए दो PNGs. एंड PNGs लेने के लिए हम ऐड फोटो पर जाने के बाद अंदर से सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों PNGs. एंड PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना. तो सबसे पहले PNG को हम रोटेट कर देंगे फुल. एंड फुल रोटेट करने के बाद आपको साइड में सेट कर देना है. सेट करने के बाद आपको सेकंड वाली PNG जो है अपनी एल्बो की तरफ सेट कर देना है. सेट करने के बाद आप कर दीजिए राइट पर क्लिक. एंड पिक्सआर्ट का काम जो है हमारा वो हो चुका है डन. तो हम ड्रॉ टूल में सिंपल से जाकर सेव कर देंगे, 3 डॉट से जाकर सेव इमेज कर देंगे. एंड अब हम चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर. सो गाइज, हम ओपन हो चुके हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर.
एंड इसके अंदर ओपन होते ही आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको अपने इमेज को ले लेना है जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से सेव किया हुआ था। तो यहाँ पर लोडिंग होगी, एंड लोडिंग होने के बाद आपका इमेज आ जाएगा। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए, एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने इमेज को ओपन कर लीजिए, एंड ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है लाइटिंग एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद आपको हाईलाइट्स जो है उसको माइनस करना है, एंड -10 एंड -24 के करीब आपको रख लेना है। उसके बाद आपको शेडोज़ को भी माइनस करना है। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है कलर्स का। तो सबसे पहले आप चले जाइए मिक्स टूल में, एंड उसके बाद ऑरेंज टोन को आप कर लीजिए सैचुरेशन माइनस, एंड ल्यूमिनेंस को बढ़ा दीजिए तो आपके फेस पर थोड़ी सी चमक आ जाएगी। एंड अब जाएंगे हम ब्लू कलर पर, एंड इसकी ह्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे, एंड इंक्रीज़ करने के साथ साथ इसकी सैचुरेशन को करेंगे माइनस में। एंड माइनस करने के बाद अब हम सेकंड कलर में जाने वाले हैं येल्लो। तो येलो कलर में हम जाएंगे, एंड जाने के बाद हम इसकी ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देंगे, एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड इसके बाद हम कर देंगे डन ऊपर से, एंड डन करने के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का। तो सबसे पहले इसमें आपको क्लैरिटी को बढ़ा लेना है 20%, एंड उसके बाद बिगनेट को कम कर देना है -32%। तो इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है आपको डिटेल्स का। तो डिटेल्स में आपको शार्पनेस थोड़ी बढ़ा लेना है। सबसे ऊपर आपको मिलता है शार्पनिंग का ऑप्शन, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए हो आपके इमेज में उतना बढ़ा लीजिए। एंड गाइस आपको डिटेल्स के ऑप्शन 3 बार मिलेंगे, उन सारे डिटेल्स ऑप्शन को फुल कर देना है, एंड बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एंड इसके बाद सारे ऑप्शन को आप करने के बाद आपको 3 डॉट्स पर जाकर आपको अपने इमेज को सेव कर लेना है। एंड सेव होने के बाद आपका इमेज कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड गाइस ये हमारा फुल रेडी हो चुका है। सो गाइस आपको ये फोटो कैसा लगा? एंड गाइस अगर आपको ये फोटो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताइए, एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया कॉन्सेप्ट का हो तो मुझको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस आइडिया पे एक आध कॉन्सेप्ट बना सकूं। एंड गाइस अगर आप इस तरीके का फोटो बना लें ट्यूटोरियल देखने के बाद कम्प्लीटली, जैसे ही आप अपना फोटो को बनाएं तो मुझको इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये है, एंड लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझको फॉलो भी कर लीजिएगा, एंड मुझको टैग जरूर कीजिएगा अगर आप फोटो इस तरह का बना लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।